द वर्ल्ड इज अ स्मॉल मच मच स्मॉल प्लेस नाउ इट सीम्स लाइक इट हैज श्रंक ट्रैवलिंग हैज बिकम फास्टर कंफर्टेबल ईजियर आप दुनिया के किसी भी कोने में बहुत ही कम समय में पहुंच सकते हैं वहां का कल्चर वहां की ब्यूटी एंजॉय कर सकते हैं लेकिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर बहुत ही एक ज़रूरी बात जो आज जो माने रखती है वो है कुजीन की चाहे आप किसी कंट्री में जा रहे हैं चाहे विद इन योर कंट्री आप किसी और स्टेट में जा रहे हैं प्रदेश में जा रहे हैं अगर आपका एक पर्टिकुलर टेस्ट है आपका अपनी एक पसंद का खाना है वो आपको वहाँ पे नहीं मिले तो आपका जो मज़ा है उसमें कहीं ना कहीं एक कमी रह जाती है खाना अच्छा मिल रहा हो आप भरपेट खा रहे हो तो उसके बाद घूमने का एंजॉय करने का मज़ा ही कुछ और है तसल्ली सी रहती है दुनिया में कई तरह के कुजींस हैं इटालियन है फ्रेंच है स्पेनिश है चाइनीज़ थाई जापनीज़ इंडियन और आज की डेट में अमूमन हर जगह पे हर कंट्री में आपको हर तरह का कुजीन मिल जाएगा सो दैट शुड नॉट बी अ प्रॉब्लम विद इन इंडिया इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स और उस डाइवर्सिटी में डाइवर्स फूड कल्चर है चाहे वो साउथ इंडियन हो महाराष्ट्रियन हो गुजराती हो राजस्थानी हो बिहारी हो बंगाली हो उड़ीसा का अपना एक कल्चर है आसाम मिजोरम साइड ईस्ट साइड जाएंगे आप तो उनका एक अलग स्टाइल है अलग टेस्ट है अलग कल्चर है पंजाबी है अच्छा कुछ डिशेज़ ऐसी होती हैं जो कि यूनिवर्सली पॉपुलर होती हैं यानी कि ज़्यादातर कल्चर के लोग जो हैं वो उसे पसंद करते हैं वो इटालियन भी हो सकती है फ्रेंच भी हो सकती है चाइनीज़ भी हो सकती है इंडियन हो सकती है आज हम ऐसी ही एक डिश इंडियन डिश की बात करेंगे जो कि यूनिवर्सली पॉपुलर है हम बचपन से खाते आ रहे हैं और कोई ओकेजन हो कोई गेस्ट आए लंच पे अगर इनवाइट किया है डिनर पे इनवाइट किया है तो ये तो बननी ही बननी और आज तक हमने जिन्हें भी इसे सर्व किया है सब ने इसे दिल से पसंद किया है चाहे वो किसी भी कल्चर से हो हेलो आई एम लाडी सिंह हेलो आई एम हेमा वेलकम टू आवर चैनल लिव योर लाइफ आज हम आपको बताएंगे रेसिपी राजमा की जो कि बहुत ही सिंपल कम मसाले से लेकिन टेस्टी दोस्तों जैसा कि आप जानते ही हैं राजमा दो प्रकार के होते हैं एक होते हैं चित्रा राजमा और एक लाल जम्मू वाले राजमा अब दोनों में क्या फ़र्क है कि मैं बताती हूँ दोनों में फ़र्क जो जम्मू के राजमा हैं वो जम्मू में मिलेंगे दैट्स इट ओके जम्मू वाले लाल राजमा पाए जाते हैं जम्मू के डोडा किश्तावर रामबन बेल्ट में और जो चित्रा राजमा है दीज आर ग्रोन इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयस जो चित्रा राजमा है ये थोड़े से सॉफ्ट होते हैं जल्दी गलते हैं जल्दी बनते हैं जो जम्मू के लाल राजमा हैं ये थोड़े खड़े रहते हैं ये खड़े रहते हैं वो बैठे रहते हैं अब इनके टेस्ट में थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है लेकिन और बनाने में भी थोड़ा सा फ़र्क होगा बाकी इनकी और क्या खासियत है ये हम आपको रेसिपी के साथ साथ बताएंगे तो आइए चलते हैं किचन की तरफ अब मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल 3 टेबलस्पून आप चाहे तो रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं और देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं टोटली योर चॉइस मस्टर्ड ऑयल को गर्म करेंगे आधे मिनट के लिए तेल गर्म हो गया है अब हम कर देंगे गैस को सिम और डालेंगे जीरा अब हम इसमें डालेंगे प्याज
अब हम इसको थोड़ा सा पकाएंगे जब तक ये प्याज गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये गई हरी मिर्च और इसके साथ ही हम डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट। ये जो कड़छियों की खन खन है, स्वादिष्ट खानों की ये धड़कन है। ये जो कड़छियों की बर्तनों की खन खन ठन ठन है ना, ये है असली किचन का म्यूजिक। इसके बगैर खाना स्वादिष्ट नहीं बनेगा, ये बात आप नोट कर लीजिए। हमारी रेसिपी में तो ये मैंडेटरी पार्ट है, बहुत जरूरी। प्याज ब्राउन हो गए हैं, इसमें डालेंगे अब टमाटर ग्राइंडेड। नमक स्वादानुसार। टू टीस्पून हल्दी। वन टीस्पून देगी मिर्च। वन टीस्पून कसूरी मेथी। लीजिए, बारी आ गई राजमा की। राजमा लिए थे हमने 250 ग्राम, तो अब हम पानी डालेंगे आधा लीटर। लीजिए, कुकर कर दिया है हमने बंद और फ्लेम कर दी है हाई। फाइव विसल्स हो गई हैं, अब हम करेंगे गैस को ऑफ। और अभी हम इसको नहीं खोलेंगे, हम खोलेंगे इसको 10 मिनट के बाद। ऑलमोस्ट ये तैयार हैं। इसमें अब एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जाएगा और उसके बाद एक और विसल हम लगाएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है इमली। 4 टेबलस्पून मैं इमली डाल रही हूँ इसमें, और इमली डालने के बाद एक विसल हम इसको लगाएंगे। मुझे लग रहा है कि पानी इसमें और जाएगा और मैं एक कप पानी और इसमें ऐड कर रही हूँ। अब बंद करके इसको एक और विसल देंगे। अब ये राजमा हो गए हैं रेडी। आप चपाती के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं। चूंकि इसकी जो ग्रेवी होती है वो ज़्यादा थिक नहीं होती, तो हम चावल के साथ खाना इसको ज़्यादा पसंद करते हैं। भाई मेरे मुंह में आ रहा है पानी। हरे धनिया से इसे गार्निश करो फटाफट, और चावल के साथ सर्व कर दो जल्दी से। और साथ में इसके सिरका प्याज या चारी प्याज हो तो बात ही कुछ और है। हमने इसमें इमली डाली है, आप चाहे तो इसमें
चूर्ण भी यूज कर सकते हो। दोस्तों ये थे जम्मू के लाल राजमा, और नेक्स्ट आपको फटाफट हम बताते हैं चित्रा राजमा की रेसिपी। दोस्तों ये सिंपल सादी रेसिपी से आप स्वादिष्ट राजमा बनाएं, खाएं, खिलाएं, एंजॉय करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और
अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, टेक केयर। वन एंड हाफ टी स्पून हल्दी और कसूरी मेथी 1 टीस्पून। ये क्या डाला? कसूरी मेथी। ये कसूरी मेथी डाली है? लाल लाल ओ हरी कसूरी मरवाओगे यार।